नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और मेरे साथी अरविंद सिंह। आज हम आपके सामने एक बार फिर आ रहे हैं राज्यसभा के अतारांकित सवालों को लेकर। अतारांकित सवाल यानी अनस्टार्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब सरकार लिखित तौर पर देती है। और आज का एक बहुत खास सवाल है अरविंद जी, वो है जल की उपलब्धता के बारे में। हमने देखा कि इस साल भयानक गर्मी पड़ी और बहुत जगह लोगों को यह आशंका हुई कि कहीं जल की भयानक कमी भी तो नहीं हो रही है, जल स्तर तो नीचे नहीं गया है। तो छाया वर्मा हैं जो राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने सवाल किया है कि क्या जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हुई है, और अगर कम हुई है तो सरकार इसे दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। जवाब क्या है उनका? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अखिलेश जी। पानी का मसला जो है इस समय बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है, और छाया वर्मा जी ने जो सवाल पूछा उसका सरकार ने ये जवाब दिया कि जो जल की उपलब्धता जो है किसी भी देश में जो औसत तौर पर जो बारिश होती है साल भर में, उसको जोड़ते हुए कुछ और कारक है जिसके आधार पर तय होती है, और आमतौर पर ये स्थिर रहती है। लेकिन भारत जैसे देश के संदर्भ में उनका ये कहना था, क्योंकि आबादी का बोझ हमारे यहाँ बढ़ रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ जो है प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है वो घटती जा रही है। और वो बताया है उसमें आंकड़े में कि 2001 से और 2011 में औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता जो है 1820 घन मीटर थी, जो घट के 1542 घन मीटर आंकी गई है जो है, यानी इसमें कमी आई है अगर आप देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 2025 और 2050 में ये घट के 1340 और फिर और मैंने 2050 में 1140 घन मीटर हो जाएगी। यानी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो जो विश्व का जो मानक है उसमें भारत जो है जल की कमी वाला एक देश बन जाएगा जो है, अगर ये स्थिति आई। और लेकिन एक कुछ और दिलचस्प आंकड़े इसमें अखिलेश जी दिए हुए हैं इन्होंने, जो रिपोर्ट के आधार पर, सरकार की रिपोर्ट के आधार पर, कि बारिश से हमारे यहाँ जो कुल जल उपलब्धता होती है वो 4000 मिलियन घन मीटर है, और इसके बाद कई ऐसे आंकड़े इसमें दिए गए हैं। और ये माना गया है कि आने वाले समय में जो भी उपलब्धता होगी उसको दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और आखिर में अखिलेश जी एक और जो दिलचस्प आंकड़ा दिया है कि जो हमारा 26 जुलाई 2018 तक देश में जो 17.26 लाख ग्रामीण आवास हैं उनमें से करीब 80% लोगों को जो न्यूनतम मानक है यानी 40 लीटर प्रतिदिन उस तरह का जल जो है मुहैया करा दिया गया है। तो ये तो जल की उपलब्धता वाला मामला है, लेकिन जल जैसा ही जो गंभीर मसला है अखिलेश जी, वो हमारा प्रतिरक्षा का भी है। और मैंने आप देश की सुरक्षा बड़ी ज़रूरी है, उसमें एक सवाल जो है मनीष गुप्ता ने मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा परियोजनाएं हैं उस बहाने ये जानने की कोशिश की है कि जो हमारा स्वदेशीकरण का जो प्रयास था एक्चुअली वो किस स्थिति में है और उसका किस तरह का जवाब आया है जो आपके साथ। रक्षा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भारत ने प्रदान किया कि रक्षा क्षेत्र में भी आप यहाँ बनाइए और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, अगर हो तो भारत भी उसे खरीदेगा, आप भी खरीदें और दुनिया के अन्य देशों को भी हम दे सकते हैं यहाँ से। तो रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया इसी नीति के तहत चला गया। और पिछले 4 वित्तीय वर्ष में अगर देखें तो 2014-15 से लेकर 2017-18 में सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में तकरीबन 2,66,700 करोड़ रुपया मूल्य के 151 प्रस्तावों के लिए आवश्यकता हेतु स्वीकृत योजना प्रदान की है। अच्छा, जिसका आशय ये है कि भारतीय विक्रेताओं को, केवल भारतीय विक्रेताओं को इतने जारी किए जाएंगे 2,66,700 करोड़ रुपये के 151 प्रस्ताव। और जो विदेश की कंपनियां होती है वो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके मिल के बनाते हैं। तो इसलिए एक मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सक्सेस ये भी होता है कि आप यहाँ की कंपनियों से भी करते हैं और वहाँ की कंपनी भी रहती है, तो वहाँ से तकनीक मिलता है, वहाँ से पूंजी मिलती है, और यहाँ से हम उनको आवश्यक मानव संसाधन प्रदान करते हैं, और उसके चलते यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ता है। और चूँकि भारत जैसे देश में बनेगा इसलिए वही रक्षा उपकरण अन्य देशों को जो हमसे खरीदेंगे वो अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा सस्ते होंगे। तो भारत इस तरह का प्रयास कर रहा है। और पिछले 4 वित्तीय वर्षों अर्थात 2014-15 से 2017-18 में रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ 1,19,000 करोड़ रुपए की अलग से 128 संविधाएँ हस्ताक्षरित भी कर ली गई हैं, जो अभी मैं बता रहा था। हाँ, मैंने उसमें 188 जो संविधाएँ हैं
उस पर हस्ताक्षर भी हो गया है। तो यह कहें कि देखिए रक्षा क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र होता है और इसमें कई बार विवाद की स्थिति काफ़ी होती है, तो इसलिए सरकार को भी फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि रक्षा के मामले पे कई बार सरकारें बदल गई हैं भारत में, तो इसलिए अगर कहें कि मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में अगर 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा के निविदाओं पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो यह एक बड़ी सफलता है। और सरकार ने कहा है कि इस मामले में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, तो अगर इससे भी आगे बढ़ें अरविंद जी, तो एक बड़ा अहम सवाल इस बात का है कि विलंब के बारे में कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आए तो मनरेगा एक काफ़ी सफल योजना माना गया है भारत का, कि मनरेगा जिसमें कि दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक कार्यक्रम बना, और उस मनरेगा के तहत जब यूपीए सरकार ने शुरू की थी एनडीए सरकार ने भी उसे जारी रखा, मतलब सरकार ने उसका महत्व समझा, और उसके तहत कई जगह से शिकायतें आईं, तो राज बब्बर जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने सवाल किया है कि क्या मनरेगा के तहत लंबित भुगतान हो रहा है, मतलब भुगतान में देरी हो रही है, और अगर हो रही है तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार उस देरी को पूरा करने के लिए क्या उपाय कर रही है, क्योंकि जैसे ही देरी होती है वैसे ही राज्य सरकार को उसका अतिरिक्त दंड भुगतना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल ठीक आपने कहा अखिलेश जी, जो मनरेगा है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, और इसमें जो एक आम शिकायत रही है पिछले कई वर्षों से वो ये रही है कि जो मजदूर हैं इसमें शामिल उनको देरी से जो है वो वेतन का भुगतान होता रहा है, मजदूरी का भुगतान होता रहा है। तो ये जो आंकड़े जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने जो जवाब दिया है वो उसमें एक बहुत अच्छा संकेतक दिख रहा है कि 2018-19 के दौरान मास्टर रोल के बंद होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर करीब 92% मामलों में जो है वो मजदूरी समय से देने में सफलता मिली है, और इसमें जो है जहां देरी हुई है वहां वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मजदूरी के भुगतान में जहां विलम्ब हुआ है वहां मुआवजे के तौर पर राज्य सरकार ने करीब 6.32 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया है। अच्छा, तो वही मैं बोल रहा था। यानी वो जो है, तो ये इस हिसाब से कुल मिलाकर के जो ये मनरेगा जो कि एक मांग आधारित मजदूरी कार्यक्रम है इसमें ये एक सफलता का संकेतक जो है साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि अखिलेश जी गांव हो या शहर हो उसमें सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और अब ये मांग उठ रही, सांसद भी इस बात को उठा रहे हैं कि भाई इसके लिए क्या कोई सरकार नीति बनाने जा रही है। सरोजनी हेम्ब्रम जी का सवाल है, किस तरह का जवाब आया इस मामले? हाँ देखिए, सरकार ने जो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि अखबारों में, टेलीविज़न में, हर जगह आ रहा है, सोशल मीडिया के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब एक ऐसी दुधारी तलवार बन गई है सोशल मीडिया, जिससे कि आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो जो दुरुपयोग वाला मामला है, दुरुपयोग के मामले पे पहले तो सरकार ने यह जवाब दिया है कि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन है, और इसलिए राज्य सरकारें इसके बारे में पूरी तरह, राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और इस तरह की तकनीक भी मुहैया कराई गई है कि अगर कोई अक्षम है राज्य सरकार, मान ली कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो वह केंद्र के साथ सहयोग करे। लेकिन साथ साथ जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कि अगर व्हाट्सएप है या फेसबुक है या ट्विटर है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनके प्रबंधन से संपर्क किया जा रहा है, उनको यह बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, और सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको नहीं रोकेंगे तो समाज में अराजकता होगी, क्योंकि जिस तरह का समाज, जिस तरह का बाज़ार उन सोशल मीडिया को मिला है, अगर वह बाज़ार अराजकता में बदल जाएगी तो उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको भी। तो आप देख रहे हो कि आजकल जो फॉरवर्डेड मैसेज है उसके ऊपर लिखा आता है कि फॉरवर्डेड, तो सबको समझ में आ जाता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, जैसा देखा वैसा फॉरवर्ड कर दिया। तो एक तो सरकार ने ये कहा है, दूसरा ये कहा है कि सरकार ने कि 2000 में एक अधिनियम बनाया गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, और उस प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत दिशा निर्देश नियमावली 2011 को अधिसूचित कर दिया गया है, मतलब 2000 में जो अधिनियम बना था उसको अधिसूचित किया गया है, और उसको ताकि फिर से उसको इन्फोर्स किया जाए, और अगर इन्फोर्स किया जाएगा तो उसके साथ जो कंप्यूटर संसाधन हैं या जो उसके सूचना का जो प्रेषित करते हैं वो लोग हैं या उसको दिखाते हैं, उसके अपलोड करते हैं, जो ये सारे लोगों के बारे में सरकार के पास डेटा मिलेगा, जो जो प्रबंधक हैं उनको डेटा मिलेगा कहाँ से ये फॉरवर्ड
किया जा सकता है, कहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है, और आपत्तिजनक या नाबालिगों को प्रभावित करने वाले या ऐसी कोई सामग्री जो कि समाज में अव्यवस्था पैदा कर सकती है, उसके बारे में जानकारी सरकार को मिल रही है। और सरकार का ये कहना है कि इन दिशा निर्देशों को अन्य और भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो अभी तक जो हानि हो चुकी है, जैसे कि मॉब लिंचिंग जैसे मामले आपने देखे कि मॉब लिंचिंग से देश की भी छवि बनती है, तो इस तरह की हानियों को रोका जा सके। और इसके बाद जो अन्य फिर से एक बार आते हैं उन चीज़ों पर जो संचार माध्यमों का एक और जो यातायात माध्यम है, यातायात माध्यम जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित क्या धनराशि दी गई है। रामविचार नेताम ने यह सवाल पूछा है, राज्यसभा के सांसद हैं, और उन्होंने यह सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे हैं उनके रखरखाव के लिए क्या धनराशि की आवंटित की गई है, उनकी क्या स्थिति है और उसमें कोई बाधा है क्या है, तो सरकार ने इसका क्या जवाब दिया है, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है। जी जी बिल्कुल, जैसे देख रहे होंगे अखिलेश जी की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारे परिवहन की मैंने सड़क परिवहन की लाइफलाइन कहे जा रहे हैं, और इसमें सांसद ने इसीलिए सवाल ये पूछा है, जानना चाहा कि जो मरम्मत है कई जगह टूट फूट होती है तो उनके मरम्मत के लिए किस तरह की धनराशि सरकार ने आवंटित की। सरकार ने जब जवाब दिया है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने, उन्होंने कहा कि 2018-19 के दौरान पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 2918 करोड़ रुपये के आसपास की धनराशि सरकार ने आवंटित की है। और चूंकि सांसद जी ये छत्तीसगढ़ के हैं, इन्होंने अपने राज्य के बारे में भी जानना चाहा, तो उसका जवाब ये दिया गया है कि वहाँ के लिए 24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, क्योंकि आप जानते हैं राज्यवार ये आवंटन होता है। साथ ही साथ सरकार ने जो है इस बात को दिया है कि किस तरीके से सरकार जो है अलग अलग इलाकों में प्राथमिकताएँ दे रही है, किस किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इस तरह से ये महत्वपूर्ण। और वो सरकार ने आखिर में ये कहा कि जो कुछ भी ये व्यवस्थाएं पूरे देश में की जा रही है वो उसी तरह से वो छत्तीसगढ़ पर भी लागू होती है, देश के अन्य हिस्सों की तरह वहाँ भी लागू होता है, और पूरा प्रयास है सरकार का। तो एक आखिरी सवाल देश में महिला वैज्ञानिकों के बारे में है, तो ये सांसद जी ने जानना चाहा कि क्या देश में कुल कितने महिला वैज्ञानिक हैं। संजय सेठ जी, क्या जवाब है? हाँ, उनका काफ़ी रोचक सवाल है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग महिलाओं के बारे में इस तरह के, यही मैं बताता हूँ कि संसद काफ़ी सूक्ष्म सवाल पूछते हैं, और उन्होंने खास तौर पर यह सवाल पूछा है कि अनुसंधान संस्थानों में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, वैज्ञानिक, हाँ वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में कितनी काम कर रही हैं, और क्या वो महिलाएं इस क्षेत्र में पीछे पड़ रही हैं। तो यह सरकार ने जो जवाब दिया है, डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब है कि अनुसंधान में विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में 39,389 महिला वैज्ञानिक कार्यरत हैं। 40,000 के करीब, 40,000 के करीब महिला वैज्ञानिक कार्यरत हैं, और सरकार का यह कहना है कि न तो महिला वैज्ञानिकों की कमी है और न ही महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे हैं। और आपको बताऊं मैं अरविंद जी की, इस बार जो आया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में छात्र ज़्यादा छात्राएं भाग ले रही हैं, तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट का प्रोसेस जारी है, और अगर अनुसंधान क्षेत्र में महिलाएं आ रही हैं, जो खासतौर पर माना जाता था कि अनुसंधान का काम वैज्ञानिक करते हैं, तो सरकार ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, और उनको ऊपरी आय सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। अच्छा। ताकि महिला वैज्ञानिक प्रोत्साहित हों, अगर किसी कारणों से खास करके महिलाओं को जो कुछ महिला जनित जो होता है, मान लीजिए कि बच्चे की स्थिति में उनको कई बार ब्रेक करना पड़ता है अपनी सर्विस में या काम में, रोकनी पड़ती है अध्ययन में थोड़ा सा रोकना, 5 वर्ष की छूट दी गई है सामान्य पुरुषों से, और उसके अलावा उनको कई तरह की सुविधाएँ भी दी जाती हैं महिलाओं को, जैसे कि क्रेच की सुविधा, कॉमन रूम की सुविधा, मातृत्व अवकाश, शिशु परिचर्चा अवकाश इत्यादि पूरी व्यवस्था की गई, ताकि उनके पूरे काम में कोई बाधा ना आए। तो अरविंद जी, जैसे कि हमने देखा कि हमने मेक इन इंडिया से लेकर जल से लेकर जंगल से लेकर और राष्ट्रीय राजमार्ग तक जो हैं सवाल 160 में से इन सवालों को चुनकर आपके सामने लाया, तो कुल 160 सवाल हैं जो पीली पुस्तिका में आते हैं, हर रोज तारांकित सवाल के रूप में राज्यसभा में आते हैं। तो आज इसी के साथ हम इस चर्चा को ख़त्म करते हैं, प्रश्नकाल ख़त्म करते हैं, और कल फिर आएंगे हम आपके सामने नए सवाल और नए जवाब लेकर। नमस्कार।